फिलहाल मेरे साथ टॉप 10 में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 60,975 नए मामले आए सामने। 848 मरीजों की मौत और 66,550 मरीज हुए ठीक। भारत में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। संक्रमितों का आंकड़ा 31 लाख के पार। भारत में एक हफ्ते में आए दुनिया के 26% नए केस। यूपी के बलिया में टीवी पत्रकार की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने बताया आपसी विवाद। सीएम योगी ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में 2 दिन में हुए 12 मर्डर। क्राइम ग्राफ शेयर कर प्रियंका गांधी ने साधा योगी सरकार पर निशाना। योगी सरकार पर अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालने का लगाया आरोप। काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने बनाया था अपना प्रस्तावक। सीएम योगी ने जताया शोक। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जेडीयू ने बनाया अपना पोर्टल। 6 सितंबर को नीतीश करेंगे वर्चुअल रैली। आठ लाख भारतीयों का वीजा हो सकता है रद्द। कुवैत की नेशनल असेंबली में नया कानून तैयार। प्रवासी कामगारों की संख्या 30% करने से जुड़े नए कानून को मिली मंजूरी। फ्लैट देने में हुई देरी तो बिल्डर्स को होम बायर्स को देना होगा सालाना 6% ब्याज। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच का 5वां दिन आज। शुक्रवार तक एम्स की टीम सीबीआई को सौंपेगी ऑटोप्सी और विस्तृत रिपोर्ट। बुधवार को दिल्ली एनसीआर में हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। वक्त हो चला है टॉप 10 का। सौ फीसदी प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट। एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170।